आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे पूर्व सेना प्रमुख आदरणीय मनोज नरवणे जी, इस आयोजन के अध्यक्ष बाबा कल्याणी जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष राजशरण शाही जी, राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क शुक्ल जी, मंच पर उपस्थित प्रांत के अध्यक्ष प्राध्यापक निर्भय कुमार विस्पुते जी, श्रीमती बागेश्री पंठाणकर जी, अंकिता पवार जी, अनिल ठोमरे जी, मंचासीन सभी महानुभाव, सामने बैठे सभी गणमान्य महानुभाव, और इस कार्यकारी परिषद में सहभागी होने आए सभी मेरे छात्र बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी की क्षमा मांगता हूं कि मैं काफी विलंब से यहां आया। इससे पहले समृद्धि महामार्ग के दूसरे चरण का लोकार्पण शिरडी में था और किन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री जी वहां विलंब से पहुंचे और वो कार्यक्रम करीब 1.5 घंटा विलंबित हुआ, इसलिए मुझे यहाँ आने में काफी समय हुआ, इसलिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ। अभी अभी अध्यक्ष जी ने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन हमको किया है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है कि जो हमारे छात्रों के जीवन को एक नई दिशा देता है। कुछ समय तक मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका मिला और मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन में संघर्ष और दृढ़ता के साथ आंदोलन, इस प्रकार के जो मूल्य है, उन मूल्यों को मैंने विद्यार्थी परिषद में सीखा। और मुझे याद है विद्यापीठ में तो कई आंदोलन होते थे, लेकिन उस समय जब कश्मीर में भारत का तिरंगा लहराना करीब नामुमकिन होता था और भारत के उस समय के नेता भी लाल चौक पर तिरंगा लगाने की बात नहीं करते थे, ऐसे समय विद्यार्थी परिषद ने ये प्रण किया कि कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराएंगे और हम जाकर लहराएंगे। और उस समय उस आंदोलन में सम्मिलित होने का मौका भी मिला और 18-19 साल की उम्र में मैं ऐसा मानता हूं कि उस आंदोलन ने जीवन को एक नया मोड़ दिया। उसके बाद तो मुझे याद है कि कुछ समय पश्चात हमारे सुनील अंबेकर जी यहाँ पर है, सुनील जी हमारे मार्गदर्शक थे और मुझे आज भी याद है कि हमारे नागपुर में जो संगम चाल में हमारा एक कार्यालय हुआ करता था, उसके सामने एक शाम को फुटपाथ पर बैठकर हम लोग गप्पे मार रहे थे और सुनील जी आए और सुनील जी ने कहा कि देवेंद्र तुमको एक बात कहनी है। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा ऐसा निर्णय हुआ है कि कल से तुमको भारतीय जनता पार्टी में काम करना है। तो मैंने उस समय सुनील जी को कहा कि मैं तो करना ही नहीं चाहता, मैं राजनीति में जाना ही नहीं चाहता। सुनील जी ने मुझे कहा कि देखो अपने यहाँ तो जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, लेकिन आपको कुछ कहना है तो आप विलास जी फडणवीस के यहाँ जाइए, उनसे बात कीजिए। और मैं उनके यहाँ गया और उस दिन से मेरा विद्यार्थी परिषद का सफर समाप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी का सफर शुरू हुआ। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि नेतृत्व के जो गुण है, इन गुणों का विकास जो भी मेरे व्यक्तित्व में हो पाया वो निश्चित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारण हो पाया। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक ऐसा फोरम है कि जहां सामान्य व्यक्ति, सामान्य लड़का
जिसका कोई वजूद नहीं है, ऐसा लड़का भी या ऐसी लड़की भी जब विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आती है तो यहाँ पर एक कार्य पद्धति है जिसको हम अपनाते हैं, जिससे टीम में काम करने की एक क्षमता निर्माण होती है। हम में से ही कोई बहुत ही सामान्य दिखने वाला अचानक उसके नेतृत्व गुण हमको दिखाई पड़ते हैं, वो हमको लीड करता है और एक बहुत अच्छा संगठन तैयार होता है और हम में भी एक संगठन में काम करने की क्षमता तैयार होती है। इसलिए ये जो सारे नेतृत्व गुण किसी भी व्यक्ति को आवश्यक है, उनको तैयार करने का काम ये विद्यार्थी परिषद ने सालों तक किया है। अभी अध्यक्ष जी हमें बता रहे थे कि भारत एक प्राचीन इस प्रकार का राष्ट्र है और ये बात बिल्कुल सही है कि हमने हमारे इतिहास के कुछ पन्ने डिलीट कर दिए और विशेष रूप से मैकॉले और उसके बाद आजादी के बाद कुछ मैकॉले के पुत्र ये भारत में छूट गए और उन्होंने भी जो हमारे स्वर्णिम पन्ने हैं उनको हमारे इतिहास से डिलीट किया और हमें ऐसा लगा कि हमारा इतिहास तो केवल मुगलों का इतिहास है। जो हमारा एक स्वर्णिम इतिहास था, जो भारत एक समय दुनिया की जीडीपी में 25 से 30 प्रतिशत अपनी हिस्सेदारी रखता था, जो भारत दुनिया को विचार भी देता था और शिक्षा भी देता था, दुनिया के सर्वोत्तम शिक्षा संस्थान जिस भारत में थे और जिसकी परंपराएं इस प्रकार की थी कि जिसके कारण दुनिया में इस देश का एक वजूद था, उस भारत की स्वर्णिम परंपराओं को हमने भुला दिया। मैं ये नहीं कहता कि हमारा पूरा इतिहास ये स्वर्णिम है, ऐसी चीजें हमारे इतिहास में भी आई कि जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जिसमें हम भी शर्मसार होते हैं, लेकिन ऐसी ही चीजों को बताकर हमको ये बताया गया कि यही आपका इतिहास है जिससे आपको शर्मसार होना है और जो हमारा असली इतिहास था, जो हमारे तेज का, हमारे विजय का इतिहास था, उससे हमको हमेशा दूर रखा गया। आज जब साइंस बहुत तरक्की कर रहा है तो ये ध्यान में आता है कि दुनिया की ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन अगर कोई है तो भारत है। हम लोग कई बार ग्रीक की, रोम की, बेबीलोनिया की, अलग अलग सिविलाइजेशंस के बारे में कहते हैं, इनमें से कोई भी सभ्यता ये 3000-4000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन भारत की सभ्यता का अगर हम विचार करें तो भारत की सभ्यता आज जिस प्रकार के हमारे अलग अलग प्रकार से हमारे यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिल रही है, चाहे राखीगढ़ी की हो, चाहे वीरान्ना की हो, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 9,000 से 10,000 साल पहले भी पूर्ण रूप से विकसित, जहां पर शहरों की रचना थी, जहां पर स्थापत्य शास्त्र का नमूना ये शहरों में देखने को मिलता था, एक प्रकार से संपूर्ण विकसित अवस्था में 10,000 साल पहले भी हमारी सभ्यता मौजूद थी, तो दुनिया की सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई और 10,000 साल तक हमारी सभ्यता समाप्त नहीं हो पाई, इसका मतलब हमारी सभ्यता में, हमारे विचारों में और हमारे मूल्यों में कोई तो ऐसी बात थी, कोई तो ऐसी शाश्वतता थी कि जिसके कारण ये सभ्यता टिकी, ये सभ्यता समाप्त नहीं हो पाई और सारे आक्रमणों के बावजूद आज भी ये सभ्यता पूरी शान के साथ खड़ी है। तो इसका कोई ना कोई ऐसा कारण होगा। आज हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ये सस्टेनेबिलिटी हमारी सभ्यता में हजारों वर्षों से रही है और इसी सस्टेनेबिलिटी ने हमारी सभ्यता को जीवित भी रखा है। आज हम लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से संशोधन हो रहा है उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि एक नया इतिहास अब लोगों के सामने हमको लाना होगा। ये इतिहास जो सचमुच हम सबको एक तेजस्विता देता है,
जो हम सबको एक वजूद देता है, इस प्रकार का ये इतिहास हमारे सामने लाना ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ऐसा मानता हूं कि उसकी शुरुआत आज हुई है। देखिए भारत, हम हमेशा कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि 21वीं शताब्दी में भारत फिर अपने विश्व गुरु के पद की ओर जाएगा। आज हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं। अभी अभी हमने देखा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ देशों में गए थे, जापान में गए, पापुआ न्यू गिनी में गए, फिजी में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, और जिस प्रकार से उनको सम्मान मिला, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि मोदी जी की सिग्नेचर लेनी है, उनकी स्वाक्षरी लेनी है, या कहते हैं कि मोदी जी के आने पर हमारे सामने समस्या खड़ी होती है कि किसको पास दे या न दे, या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि मोदी जी हमारे बॉस है, या फिर छोटे छोटे राष्ट्रों के प्रधानमंत्री या राष्ट्र अध्यक्ष जब ये कहते हैं कि हमारी आवाज ये मोदी जी है, ये मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारत का सम्मान है, ये भारत की नई ताकत का सम्मान है, ये नए भारत का सम्मान है जिसको आज दुनिया मान रही है। क्योंकि हमको जिस प्रकार से रोका गया था, भारत को रोकना आसान नहीं था, और जिसका उल्लेख मुझसे पहले यहां पर हुआ, बाबा कल्याणी जी ने कहा कि ये हमारा समय है। आज हम जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, 2020 में भारत ये दुनिया के सबसे युवा देशों में हमारा शुमार हुआ है। आज हमारी जो एक औसत आयु है ये 25-27 साल की औसत आयु, और हम लोग अगर दुनिया का इतिहास देखें तो दुनिया के इतिहास में इस प्रकार का डेमोग्राफिक डिविडेंड, जब यूरोप को हासिल हुआ तो उन्होंने प्रगति की, अमेरिका को हासिल हुआ उन्होंने प्रगति की, जापान और कोरिया को हासिल हुआ उन्होंने प्रगति की, पिछले 30 वर्षों में चीन ने इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड के आधार पर प्रगति की, और आज ये डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के पास है, लेकिन ये अक्षय नहीं है। अगले 25 वर्ष ये भारत के लिए इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के आधार पर अपने देश को एक बलशाली देश, एक विकसित देश, एक समृद्ध देश, इस रूप में विकसित करने का यह अवसर है। और इस अवसर को मैं ऐसा मानता हूं कि यथार्थ में कौन बदल सकता है, तो मेरे सामने जो छात्र शक्ति बैठी हुई है, यही छात्र शक्ति इसको यथार्थ में बदल सकती है। क्योंकि ये जो भारत का स्वर्णिम काल है, इस स्वर्णिम काल के अगर हम साक्षी होंगे तो इस स्वर्णिम काल के सहभागी ये आप लोग होने वाले हैं, ये आपके भरोसे भारत को आगे बढ़ना है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग भारत के उस संक्रमण के काल में है कि जिस काल को अगर हमने सही रूप से उसका उपयोग किया तो हम लोग जो सपना सदियों से देख रहे हैं, या विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन पिछले 75 सालों से जो सपना देख रही है, उस सपने को पूरा करने का मार्ग ये अगले 25 वर्षों में है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज जो हमारी पीढ़ी, जो आज हमारे छात्र है, जो आज हमारे युवा है, इनके कांधों पर आज जो जिम्मेवारी है, इस जिम्मेवारी का निर्वाह अगर वो ठीक से नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ियां कभी उनको क्षमा नहीं करेगी। और मैं ये मानता हूं कि केवल उनके भरोसे नहीं है, तो हमारी भी जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी को उनका साथ देना होगा, उन्हें अवसर देना होगा, उन्हें आगे ले जाने का काम करना पड़ेगा, उन पर विश्वास रखना पड़ेगा। और अगर हम विश्वास रखेंगे तो आज देखिए भारत कितना बलशाली बन रहा है। आज जो भारत कभी याचक की भूमिका में दिखता था, वो याचक की भूमिका में नहीं है, अब भारत एक बहुत ही मजबूत देश के रूप में आज हमारे सामने हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जहां हमारी ताकत बढ़ी है, वहीं पर हमारे साथ छद्म युद्ध करने वाले इनकी संख्या भी बढ़ी है। हमारे आदरणीय नरवणे जी ने कुछ बातें हमारे सामने रखी, और मैं ऐसा मानता हूं कि आज भारत की ताकत इतनी जरूर है कि हमारे पड़ोसी हमारे साथ
कोई दुर्व्यवहार करने से पहले दो बार सोचते हैं। लेकिन इसी ताकत के कारण एक छद्म युद्ध आज भारत के साथ लड़ा जा रहा है, और ये छद्म युद्ध केवल सीमा पार के आतंकी नहीं लड़ रहे, तो उनके कुछ साथी हमारे देश में भी मौजूद है। आज हम जिसको अर्बन नक्सल्स कहते हैं, ये अर्बन नक्सल्स ये एक ऐसी विचारधारा है जो न देश के संविधान को मानती है न देश की व्यवस्था को मानती है, और ये एक ऐसी व्यवस्था है जो युवा आयु के हमारे विद्यार्थियों में, हमारे युवाओं में एक प्रकार से उनके दिमाग में वायरस छोड़ने का काम करती है। व्यवस्था के खिलाफ एक एनार्की तैयार हो, इस प्रकार का काम करती है। और आज विद्यार्थी परिषद का, मैं ऐसा मानता हूं, हमारी जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा है कि एक समय था देश में माओवादियों के खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने एक लड़ाई लड़ी, और कई बार तो ऐसी लड़ाई लड़ी कि विद्यार्थी परिषद के हमारे कई कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। लेकिन धीरे धीरे बंदूक लेकर लड़ने वाले माओवादी अब कम हुए हैं, नहीं बचे हैं, उनको नए लोग नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो विचारों को प्रदूषित करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, वो कॉलेजेस में, वो कैंपसेस में, वो यूनिवर्सिटीज में धीरे धीरे अंदर घुस रहे हैं, धीरे धीरे वायरस छोड़ रहे हैं, और एक विभाजन का बीज वो बोने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था के खिलाफ, हमारे संस्कारों के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ, ये सारी चीजें गलत है, इस प्रकार का एक बीजारोपण आज जो हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। अगर हमारी आने वाली पीढ़ी ये राष्ट्रवाद से ओतप्रोत नहीं होगी, अगर ये देश का और समाज का विचार नहीं करेगी, ये केवल आत्म केंद्रित पीढ़ी अगर हम लोग तैयार करेंगे, तो मैं नहीं मानता कि भारत को हम लोग उस मकाम पर ले जाएंगे। भारत को अगर विश्व गुरु के मकाम पर ले जाना है, एक विकसित भारत निर्माण करना है, तो समाज का विचार करने वाले, राष्ट्र का विचार करने वाले ऐसे नौजवान यही देश को आगे ले जा सकते हैं। आज जिस प्रकार से हम लोग स्टार्टअप की दुनिया में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी युवा शक्ति देश के अंदर कार्य कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे शाश्वत मूल्य है, उन शाश्वत मूल्यों को अगर हम भुलाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक मजबूत राष्ट्र कर पाएंगे। इसलिए आज के इस मौके पर मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि सालों से जो राष्ट्रवाद का बीजारोपण हमारे छात्रों में, हमारी विद्यार्थी परिषद ने किया है, और छात्रों को हमने ये बताया है कि आप भविष्य के नागरिक नहीं हो, आप आज के नागरिक हो, आपके भरोसे ये देश चलने वाला है, आज से आपको आपकी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, ये जो बात हम लोग हमारे विद्यार्थियों में, युवाओं में इसका रोपण करते हैं, मुझे लगता है आज उसके सर्वाधिक आवश्यकता है। एक ऐसी पीढ़ी जो देश को आगे भी ले जाएंगी, लेकिन देश के मूल्यों का भी संवर्धन करेगी, इस प्रकार का विचार लेकर ये पीढ़ी आगे बढ़े, इसलिए विद्यार्थी परिषद काम करेगी, ये विश्वास में व्यक्त करता हूं। और इस परिषद को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं इतना ही यहाँ पर ये अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि आगे भी ये जो 75 साल तक विद्यार्थी परिषद ने काम किया है, इस काम को विद्यार्थी परिषद आगे भी ऐसा ही करता रहेगा, ऐसे राष्ट्र निर्माण का कार्य, ऐसे ही चरित्र निर्माण का कार्य विद्यार्थी परिषद करेगा। इस अपेक्षा के साथ इस बहुत अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।